जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त और व्यस्त हो गए। हम भी बिल्कुल बढ़िया है। एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज है संडे और आज संडे के दिन मैं कहीं घूमने जाने वाला हूँ। एक गेस्ट हमारे घर आए हुए हैं उन्हीं के साथ, तो लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है। और सबसे पहले अपडेट लेते हैं मम्मी की। जय माता दी। मम्मी बहन मजा में? બોલો લો આને તો હાઉ સસ્પેન્સ રાખવાનું હતું ને હાઉ છે તું કરી નાખ્યું કેમ પછી એટલે એને કુંડલાથી આવ્યો છે બે ફરવા જાય છે હા પુષ્પદા તો મમ્મીને બતાવી દીયા હે તો અભી સસ્પેન્સ ક્યાં રખને કે ચલો આપકો બતાવી દેતા હું મેરે સાલે સાહેબ સાવર કુંડલા સે આયે હુએ ઓર ઉન્હી કે સાથ મે અભી જાને વાલા હું कई जगह पे जाने वाला हूँ तो आप लास्ट तक देखना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ जाने वाला हूँ वो। और अभी पापा के अपडेट लेते हैं फटाफट। पापा अभी धूप में बैठे हुए, धूप सेक रहे हैं, सर्दी का मौसम है। तो जय माता जी पापा। जय माता जी। ये सूर्य स्नान सुबह में करना बहुत उत्तम है, उसमें विटामिन डी मिलता है। और डॉक्टर के पास जब सांधे वाले का दर्द वाला जो जाता है ना तो बोलता है कि सुबह में अर्ली मॉर्निंग में सुबह सूर्योदय बाद थोड़ो देर सूर्य का किरण में बैठिए। तो पापा अभी धूप सेक रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, सीधा विटामिन डी ले रहे हैं सूर्य प्रकाश से। और ज्योति भैया अभी उठ के बैठे हुए हैं, वो उसको अभी देर हो गई उठने में, तो वो अभी फिलहाल उठे ही है। और वो मैं आपको ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगा वरना हमारा झगड़ा हो जाएगा दोनों का। तो अभी मेरे साले साहब आ गए हैं हमारे पास, तो अभी फटाफट उनकी अपडेट भी ले लेते हैं। जय माता जी। कैसे है आपकी तबीयत पानी? बस एकदम हाई क्लास। आज पुष्पदान भाई नो कल फोन आया था बाहर चलते, तो मैंने कहा चलते हैं, चलो आते हैं। तो फिर हाल चलते हैं थोड़ी देर में। चलते हैं चलो। कहाँ पे जाएंगे? इधर खोड़ियारमा का टेम्पल है धारी के पास, गलधरा। गलधरा पर जाएंगे, दर्शन करेंगे और मौज करेंगे। संडे है आज, तो आज संडे है, तो चलो फ्रेंड्स निकलते हैं थोड़ी देर में। उन्होंने हमें सावरकुंडला घुमाया था पूरा, तो आज हम उसे धारी घुमाते हैं। बगसरा में तो कुछ ऐसी जगह है नहीं, दो तीन जगह बात करके। तो अभी हम उनको लेके चलते हैं गलधरा खोड़ियार मंदिर, और लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। ये एरिया सब भी एरिया फॉरेस्ट का है, और धारी के पास में डांगा वदर है, वहाँ से हम जा रहे हैं डायरेक्ट। तो आज गुजरात सरकार ने आंबोड़ी सफारी पार्क बनाया है, वो फिलहाल पास ही में है, इसलिए फॉरेस्ट विभाग ने मंजूरी नहीं दी है। तो कैसी स्ट्रगल करनी पड़ती है हमें वहाँ पे जाने में, आप देख सकते हैं ये रोड कैसा है। ऐसे रास्ते से हम आपको ब्लॉग बनाना कोई आसान काम नहीं है, तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और हम अभी अपनी धनो घोड़ी लेके जा रहे हैं, और पापा हमारे साथ है। पापा ने कहा कि मुझे भी आना है, तो हमने कहा चलो ठीक है, हम तीनों धनों पे बैठ जाएंगे। और रास्ता देखिए भाई, क्या ही बुरा हाल हो रखा है हमारा। और ये रास्ता इतना ख़राब है मैं आपको बता नहीं सकता। हमारी धनो तो बहुत ही कठिन है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ये रास्ता आप देखिए कितना रोड बिगड़ा हुआ है। और हम नदी में से चल रहे हैं, पहाड़ में से चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे हम आ गए हैं। अभी सिर दर्द होने लगा है, और दो तीन रास्ते जाते हैं, हमें कहाँ पे जाना है वो हम तय ही नहीं कर सकते। और यहाँ पे कोई हमें मिल भी नहीं रहा है, खेती बाड़ी कोई लोग की भी यहाँ नहीं है, इसलिए हम किसी को पूछ भी नहीं सकते। और ऐसे ही हम भटकते हुए चले जा रहे हैं, हमें पता नहीं है मंजिल कहाँ है, वो आपके हाथ में है। हमें बस रास्ता दिखा है, इसलिए हम रास्ते पे अभी जा रहे हैं। मंजिल पे पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, आप समझ गए होंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी ये पेड़ आप देख सकते हैं, वो ज़मीन से उखड़ गया है, रास्ता देखे खुद ही जगह दे दी, बोले मैं उखड़ जाता हूँ अब निकल जाओ, यहाँ पे रहना अलाउड नहीं है आपको, ये प्राणी भी यहाँ नहीं रहते होंगे, क्योंकि क्या है कि सूखा है अभी एरिया,
और खाने पीने के लिए अभी कुछ नहीं मिलता होगा। डैम है, खोड़ी डैम पास ही में है, 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल कोई व्यवस्था है नहीं। और ये गुजरात है, गरीबी गुजरात है हमारा, तो गरीबी गुजरात हमारा ऐसा है। ठीक है, कभी आओ, कुछ दिन गुजारो हमारे गुजरात में, ऐसे रास्ते आपको मिलेंगे, और यहाँ पे घूमो, मौज करो, और घर पे जाके साबुन से नहा धो लो। स्वच्छ भी रहना पड़ेगा ना, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इसलिए स्वच्छ भी रहना चाहिए। यहाँ पे धूल ही इतनी है तो हम गंदे हो ही जाते हैं, नहीं होना हो फिर भी हो जाते हैं। मैंने तो हेलमेट पहन रखा है अभी। और ये देखिए यहाँ पे मिट्टी कितनी उड़ रही है, चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी है। और फिलहाल कुछ आशा की किरण थोड़ी दिखाई दे रही है हमें, हरियाली है सामने, तो अभी थोड़ा रास्ता भी रह गया है मंजिल की ओर। बहुत जल्दी हम पहुँचने वाले हैं हमारी मंजिल पर, अगर आप लोगों का साथ रहा तो। रास्ते तो यूं ही निकल जाएगा अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही बातों ही बातों में हम पहुंच गए हैं गलधरा खोड़ियार माता जी के मंदिर, और अभी थोड़ा सा ही दूर है वे पुल के नीचे हम अभी जा रहे हैं, और थोड़ा सा ही अभी हमें दूरी तय करनी है हमारी मंजिल की तरफ। और ये रास्ता भी ऐसा ही है जैसा वो पहले रास्ता था, और सामने वो डैम है खोड़ियार डैम, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक आप नहीं देखेंगे तो आपको कुछ मिस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट तक व्लॉग को बने रहिएगा व्लॉग में। और अभी हम दाहिनी ओर यहाँ पे मुड़ के जा रहे हैं, हमारी गाड़ी भी पार्किंग करनी पड़ेगी, और अभी रास्ते में पब्लिक थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, तो इसलिए लगता है कि पब्लिक तो आज संडे है तो इसलिए बहुत आई हुई है। अभी मैं गाड़ी पार्किंग के लिए जा रहा हूँ, गाड़ी पार्क कर लेता हूँ छाँव पे, और अभी फटाफट दर्शन कर लेते हैं थोड़ी देर में। विश्वदान भाई गाड़ी पार्क कर रहे हैं। तो जी फ्रेंड्स, फाइनली हम गलधरा पहुँच गए हैं, और ये है खोड़ियार माता जी का मंदिर। और ट्रैफिक आप देख सकते हैं, वहाँ पे पर्वत है, और लोग अभी भी आ रहे हैं। और अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, और इधर फोर व्हील वाला रुका है, वो अभी हमें डिस्टर्ब करेगा ऐसा लग रहा है। अभी उसने हॉर्न चालू कर दिया है डिस्टर्ब करने के लिए। ये माता जी है, 7 बहनें हैं खोड़ियार माता जी। कभी आप गुजरात में आओ, हमारा इतिहास जानो। अभी हम चल के अंदर जा रहे हैं माता जी के मंदिर, और यहाँ पे चुनरी और श्रीफल कुमकुम वो सब मिलता है। और अभी हम जा रहे हैं सीधे मंदिर में। तो जी पापा अभी माता जी के दर्शन करते हुए, और माता जी को आप घर से घर बैठे दर्शन कर लीजिए खोड़ियार माता का, और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता जी, जय खोड़ियार माँ। माता जी आप सभी की हर एक मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी माँ से मैंने प्रार्थना की है। ये सभी बहनें हैं जो माता जी के गुणगान गा रहे हैं अभी खोड़ियार माता जी के। ઓળખો તમે
ये पीराना है, पीर दादा का मंदिर और वहाँ पे रंगणी माता जी का मंदिर है। और वाछड़ा दादा नु मंदिर है, वाछड़ा दादा नी दादा है, नहीं भूतड़ा दादा, सॉरी भूतड़ा दादा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे पानी बहता हुआ जा रहा है, स्वच्छ पानी है बिल्कुल। आया है ना ऊपर से पानी आवे ना जाम थी ये भेगो थियो छे, बाकी ऊपर तो मत जो हमें ये आवे छे पानी ने जो। फाइनली हमने खाना पीना यहाँ पे खा लिया है और शंभुदान जी यहाँ पे आनंद लूट रहे हैं और पब्लिक तो आज भाई बहुत है यहाँ पे, ये देखिए पूरी पब्लिक ही पब्लिक है। और अभी हम जा रहे हैं पानी देखने के लिए डैम पे। आलो आओ आलो चेनिया दादा, नहीं आपको नहीं आना है, हम ही जाएंगे ठीक है। ये है पूरा यहाँ का व्यू, देख सकते हैं चारों ओर डूंगर है और बीच में वहाँ पे पानी है। तो फ्रेंड्स फाइनली शंभुदान जी और पापा नीचे जा रहे हैं और मैं अभी जाता हूँ, हमें पहुँचना है वहाँ पे, वहाँ पे खोड़िया डैम है और डैम हमें देखना है, तो अभी हम जा रहे हैं। तभी नीचे उतर रहे हैं सीढ़ी। આવી ગયા છે ગણતરા અને જો પાણી જોવા જઈએ છીએ, બહુ મસ્ત રસ્તો છે, બહુ મસ્ત મૂડ બની ગયું છે। તો પુષ્પદાનભાઈ બે ત્રણ શબ્દ કહે તમને, આ બાજુ શું કહેવું છે તમારું? તો ભાઈ ફાઇનલી પાણી તક પહોંચ ગયે છે, અભી આપકો દેખાતે થોડી દેર મેં। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it.
Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to. और यहाँ पे डैम के पास भी माता जी का मंदिर है, तो दर्शन कर लेते हैं। जय खोड़ियार माँ। पहले पापा अंदर गए हैं दर्शन के लिए, अभी वो कुमकुम का तिलक लगा रहे हैं। और यहाँ पे माता जी का प्रागट्य स्थान है। शंभुदान जी और पापा वहाँ पे पहुँच गए हैं। मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ। ये देखिए हमारे पीछे की तरफ बहुत ही बड़ा पर्वत है, और सामने की तरफ डैम है, और पब्लिक आप देखिए बहुत ही आई हुई है। दोपहर का टाइम है और पूरा नेचर यहाँ पे खिला हुआ है, प्रकृति। ये देखिए यहाँ पे लोग सभी लोग फोटो शूट कर रहे हैं। एक भाई वहाँ पे है शूट कर रहे हैं, और ये शंभुदान जी मुस्कुराते हुए। मैं अभी पानी में खड़ा हूँ, चारों ओर पानी पानी है। फ्रेंड्स अभी शंभुदान जी जा रहे हैं वहाँ पे जाके उसको एक फ़ोटो खिंचवाना है, तो अभी वो वहाँ पे जा रहे हैं। फिसलन बहुत है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है बहुत। गिरना मत संभल के। वहाँ पे एक मधुमक्खी का बहुत ही बड़ा छत्ता है, आपको दिख रहा होगा। माउंटेन क्लाइंबिंग बहुत ही बड़ी बड़ी हनी बीस है वहाँ पे, और इधर डूंगर में से पानी नीचे आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये पूरा डूंगर टपक रहा है, अभी ऊपर से पानी आ रहा है नीचे। और यहाँ पे पर्वत पे वृक्ष है, आप देख सकते हैं। तो भाई ये है कुदरती नज़ारा, अभी आपने देखा होगा। लाओ तुम्हारा बड़ो, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके।
ને જોરદાર પાણી છે એટલે પુષ્પદાનભાઈ ખૂબ મજે કરી રહ્યા હે. તિલક બિલક લગા કે બડે દાદી કરે હો. ક્યા ક્યા બોલો. પેપર લીકને ગયો ઓર પેન ઘર પર ભૂલ ગયો. ચશ્મા ભૂલ ગયે હે અભિયમ. ફોટા પડવા આવ્યા ને ચશ્મા ભૂલ ગયા. બહુ થી અચ્છા હતા. ફટાફટ લાઈક કર દો, શેર કર દો, કોમેન્ટ કરકે સબસ્ક્રાઇબ કર દો. ઠીક હે. ધીંગાણો કરવા ગયા તલવાર ઘરે ભૂલી ગયા. અભી સંબુદાન જે હાથ મું ધો રહે હૈ યહાં પે. યહાં પે ફોડા કા ડાબલા હૈ. ડાબલા મતલબ જો પેર કે નિશાન હૈ ના, વો યહાં પે પથ્થર પે હૈ. મેં અભી આપકો દિખાતા હું. ये पर्वत है, वहाँ से ऊपर से रान उगड़ने ऐसी मान्यता है कि रान उगड़ने वो पत्थर के ऊपर से यहाँ पे नीचे घोड़े को उतारा था. और ये उसका पैर का निशान है जो पत्थर में है. ऐसी मान्यता है कि ये घोड़े का पैर का निशान है. तो फ्रेंड्स अभी फाइनली संबुदान जी पत्थर पर चढ़ गए हैं और अभी वहाँ पे उसको फोटो शूट करवाना है. ये देखिए क्या ही लग रहे, एकदम हीरो घटे नहीं कहे. कितना बड़ा पत्थर है, ऊपर चढ़ गए हैं. तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रहा हूँ पत्थर के ऊपर फोटो शूट करवाने. इंस्टाग्राम में आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा. इंस्टाग्राम आईडी क्या आपकी? मैंने देखी नहीं. जी पुष्पदान. और मेरी है मिस्टर गढ़वी 222. नहीं, पुष्पदान गढ़वी व्लॉग्स. अभी यहाँ पे चढ़ना है, भारी वजन है 70 किलो. फिर भी मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर पत्थर के ऊपर. एक्सरसाइज तो नहीं करता हूँ फिर भी चढ़ गया. ठीक है चलो. थोड़ी देर तो रुको, अभी बैठने तो दो. बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे. और संबुदान जी अभी वहाँ पे बैठे हुए हैं. ऐसी जगह पे हम कभी कभार आते रहते हैं और यहाँ से प्रकृति का पूरा आनंद लेना चाहिए. अभी कुछ लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, फोटो शूट करवा रहे हैं. क्या ही नेचर है भाई, बहुत ही मजा आ गया यहाँ पे आके.
हमारे यहाँ से 30-35 किलोमीटर तकरीबन होता है, लेकिन हम यहाँ पे कभी कभार ही आते हैं और यहाँ पे आके बहुत ही मज़ा आता है नेचर के साथ रहने में। और आपको भी यहाँ पे आना हो तो लोकेशन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। हवाएं यहाँ पर बहुत ही तेज़ आ रही है और वहाँ पे आपको सामने पानी दिखाई दे रहा है, वो खोड़िया डैम से आ रहा है और ये बहुत ही स्वच्छ पानी है ये। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ और कैसा लगा रहा जगह हमारा ये व्लॉग वो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। माता का मंदिर दिख रहा है और ये डैम सामने खोड़िया बोलते हैं, धरा खोड़िया तेल धरा है ना, खोड़िया माखा और बड़धरा बोलते हैं धारी तालुका हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और तातनिया धरा है और माटेल भी वहाँ के पास है, माटेल धरा
पास राजपुरा गांव है वहाँ पे है ये तीन धरा वाला, ये धरा गलत धरा है, ये गलत धरा है खोड़ियार माता की तीन धरा जो कहते हैं। और यहाँ पर जूनागढ़ के राह नवगढ़ ने अपना मतलब कुछ यहाँ मुकाम किया था और वहाँ पर अपना घोड़े को नहलाया था और वहाँ पर उसके घोड़े का एक डाबला मतलब पैर का जो निशान होता है ना वो दिखता है, वो जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और यहाँ से डैम से पानी निकल के वहाँ पे और ये डैम है इधर नीचे इसका पाटिया वही पानी नीचे जाए चौमासा में तो आ बधू जो दिखाई ने बधू पानी थी गरकाव थी जाए और नीचेना गामडाओने सिंचाई नो लाभ आपे। हाँ इनके पीछे जो नीचे गांव है आंबड़ी बोला जाता है, गोपाल ग्राम बोला जाता है, सभी गांव को या सरमबड़ा बोला जाता है, सभी गांव को यहां से ये पानी डैम वाला वहां अपनी तरह जाता है और वहां से वो उसको सिंचाई के लिए दिया जाता है। ये सब यहाँ मूँगफली ऐसा बहुत ऊंडो घुनो आइनो तातणिया नो नहीं त्राक पण राजपुरे राजपुरे माता रूरे ठान अरे रे तन खलक वो खाने माँ खोड़ली। वाह भाई वाह, आ डेम ना पाटिया है ડેમના પાટિયામાંથી પાણી છૂટી નીચે જાય અને ત્યાંથી આ બધું ચોમાસામાં પાણી ભરાઈ જાય અને જાય બહુ મોટો ડેમ છે। चारण था वो, तो मामड़िया चारण था उसका नाम, उसके यहाँ कोई संतान नहीं था इसलिए वो कोई बोलता था कि ये वांझिया है नहीं संतान है, इसलिए उन्हें माँ की प्रार्थना की और माँ जोग माया के पास उसने वरदान मांगा कि हमको कुछ बल बाल बच्चा दे दो, तो एक साथ सात बच्ची दिया और एक मेरेखिया नाम का भाई खोड़ियारमा को दिया। खोड़ियारमा का सात बहन का नाम है खोड़ियार जोगड़ तोगड़ विजभाई सांसभाई होलभाई आवड़मा, आ सातों बहनों आवड़मा सबसे बड़े है, सबसे बड़े आवड़मा है और छोटा खोड़ियारमा है कि वो उसका भाई जो था ना एक ही भाई था उसको सर्प ने दंश दिया था, इसलिए आवड़मा ने बोला खोड़ियारमा को किया कि तुम जाओ और नागकुल नाग क्षेत्र है वहाँ पे जाके अम्मी का कुंभ ले आओ, पाताल लोक में जाओ और अम्मी का कुंभ ले आओ और अपना भाई को सजीवन करे, वो पाताल में जाके जो थोड़ी देर लगी इसलिए आवड़मा ने बोला कि ये उसका नाम पहला था मीणबाई लेकिन रुक गया बहुत ज़्यादा हो गया देर, इसलिए बोला आवड़मा कि क्या कहाँ खोड़ानी खोड़ ली तू इतना क्यों देर लगा, हम थोड़ी देर में खोड़ियारमा आ गया उसको खोड़ी इसलिए कि लंचाता है वो ऐसा पग हो गया उसका थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और ऐसे वो चले आते हैं अरे उसका नाम खोड़ल रखा लेकिन उसका नाम मीणबाई माँ था। तो फ्रेंड्स चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आई होप कि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लाइक नहीं करते यार बहुत ही कम लाइक मिलते हैं हमें, ऐसा नहीं होना चाहिए जितने व्यूज़ है उतने लाइक मिले तो बहुत अच्छा लगेगा हमें और हमारी मेहनत सार्थक होगी ऐसा हमें लगता है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, जय माता दी।